आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम फरोग नज़म उस्ता है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में यांत्रिक विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जिग एंड फिक्सर के लोकेशन के मेथड के बारे में डिस्कस किया था, लोकेटिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था और क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था, आज मैं आप लोगों के साथ ड्रिल जिग डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, जब हमें पता है कि जिग एंड फिक्सर का यूज़ मास प्रोडक्शन में किया जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि सेम आइडेंटिकल पार्ट्स प्रोड्यूस करने में, आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत से ऐसे पार्ट्स प्रोड्यूस करना जिसकी डायमेंशन सेम हो, जिस पे किए जाने वाले ऑपरेशन सेम हो, और जिसमें अगर मान लीजिए ड्रिल किया जा रहा है तो वो ड्रिल का साइज़ भी सेम हो, दैट मीन्स आइडेंटिकल पार्ट्स प्रोड्यूस करना। तो ड्रिल जिग की यूज़ क्यों पड़ती है, हमें ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, ड्रिल जिग इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन द पोजिशनल एक्यूरेसी ऑफ होल्स, यानी कि वर्कपीस में जो हम होल करने जा रहे हैं वो होल सही जगह पे किया जा रहा है, इस चीज़ का इंश्योर हमें ड्रिल जिग करता है, क्योंकि ये जिग प्लेट के अंदर लगा दिया जाता है। ओके, जिग बुश हम लगाते हैं जिग प्लेट के अंदर, जिसकी शायद जो कि टूल को गाइड और लोकेट दोनों काम करता है। सेकंड थिंग है, इट इज़ यूज्ड टू लोकेट एंड गाइड द टूल। अब चूंकि ड्रिल जिग हम पढ़ रहे हैं तो इसमें टूल क्या हो सकता है अपना, या तो ड्रिल होगा या रीमर होगा या टेप होगी, तो ये ड्रिल को, रीमर को या टेप को गाइड करने के काम और लोकेट करने के काम आता है। ड्रिल जिग कोई ज़रूरी पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट एसेंशियल, बट इट इज़ प्रूव्ड एज इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल डिज़ायरेबल। लेकिन ये चीज़ प्रूव्ड है कि ड्रिल जिग का इस्तेमाल करने से हमारा प्रोसेस इकोनॉमिक हो जाता है और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, दैट मीन्स उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है या पोजिशनल एक्यूरेसी है वो भी मेंटेन रहती है। ओके, यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर इंश्योरिंग दैट अ होल टू बी ड्रिल्ड, टैप्ड और रीम्ड इन अ वर्क पीस विल बी मशीन्ड इन प्रॉपर प्लेस। दैट मीन्स कि जो भी हम ड्रिल कर रहे हैं या टैप कर रहे हैं या रीमिंग कर रहे हैं वो अपनी यथास्थिति पर ही किया गया है, जो भी उसकी डिज़ायर्ड पोजिशन थी वहाँ पर, तो ये इंश्योर हमें ड्रिल जिग करता है। तो ड्रिल जिग को डिज़ाइन करने के लिए कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये हमारा आ गया डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉर ड्रिल जिग। फर्स्ट है, ड्रिल जिग लाइट इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हम जिग बना रहे हैं उसका भार कम से कम होना चाहिए। ओके, इतना बल्की ना हो कि उसको हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाए। सेकेंड है कि जो हम ड्रिल जिग काम में ले रहे हैं उसको डायरेक्टली मशीन टेबल पे क्लैंप ना किया जाए, बल्कि जिग के बेस में चार पैर बना दिए जाएं, जिससे कि अगर मान लीजिए कि वो अगर टेबल पे प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पा रहा है तो वो रॉकिंग करने लग जाएगा या हिलने डुलने लग जाएगा, जिससे जो ऑपरेटर है उसको वार्न हो जाएगा कि हमारा जो जिग है वो टेबल के ऊपर सही से नहीं रखा गया है। थर्ड थिंग, जो ड्रिल बुश है वो प्रॉपरली फिक्स किए जाने चाहिए जिग के साथ, जहाँ पे उनकी डिज़ायर्ड पोजीशन है। ओके, फोर्थ है, जब हम छोटे जिग डिज़ाइन करते हैं तो वो तो
जो डिज़ाइनर है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर डिज़ाइन कर दिए जाते हैं कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। बट अगर हम लार्जर जिग प्रोड्यूस करेंगे या लार्जर जिग बनाएंगे तो उसमें हमें उसकी टेस्टिंग, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेस टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, द लोकेटिंग पिन्स ऑन द ड्रिल जिग शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट इज इम्पॉसिबल टू लोड द वर्क पीस इन करेक्टली। दैट मीन्स कि जो हम लोकेटिंग पिन्स हैं जिग के अंदर जो लगा रहे हैं उनको इस प्रकार से लगाया जाए कि जॉब को गलत तरीके से तो उसमें रखा जाना ही असंभव हो। अदरवाइज कई बार ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि जो अनस्किल्ड ऑपरेटर है या मान लो ऑपरेटर चेंज हुआ है तो वो जिग को मिसयूज़ कर लेता है। तो हम चाहते हैं कि जिग का मिसयूज़ ना हो, गलत तरीके से उसको इस्तेमाल ना किया जाए। इसके लिए लोकेटिंग पिन्स को ही इस प्रकार से हम डिज़ाइन कर देते हैं कि वर्कपीस को गलत तरीके से रखा जाना असंभव हो जाए। फिर नेक्स्ट है, इनफ स्पेस मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन वर्क एंड बॉटम ऑफ ड्रिल। यहां पे इस लाइन का मतलब है कि इनफ स्पेस होना चाहिए वर्कपीस और ड्रिल बुश के बीच में, जो कि चिप्स को पास करने के काम आता है। अब जो चिप्स है वो हमेशा हमेशा वर्कपीस और बुशिंग प्लेट के बीच में से जानी चाहिए, ना कि वर्कपीस और ड्रिल बुश के थ्रू। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारे कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं जब हम जिग को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ड्रिलिंग जिग। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है टेम्पलेट जिग। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ टेम्पलेट जिग। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हमारा वर्कपीस हो गया। इस वर्कपीस पे हमें दो होल ड्रिल करने थे तो हमने इसके लिए एक टेम्पलेट बनाई। दैट मीन्स एक प्लेट बनाई, उसके अंदर दो होल कर दिए। यहाँ पे ऊपर से ये ड्रिल आ रही है तो ये ड्रिल उसी पोजिशन पर वर्कपीस पर ड्रिल करेगी जिस पोजिशन पर प्लेट में होल है। ओके, और प्लेट में जो होल किए गए हैं वो होल इस वर्कपीस के जो डिज़ायर्ड पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्लेट तैयार की। फिर इस प्लेट के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल वर्कपीस में ड्रिल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टूल है वो गाइडेड किससे हो रहा है, इस टेम्पलेट के द्वारा। फिर सेकंड थिंग आती है प्लेट जिग। प्लेट जिग जनरली इम्प्रूवमेंट वर्जन है टेम्पलेट जिग का। आप देख पा रहे हैं कि इट इज़ सिमिलर टू टेम्पलेट जिग एक्सेप्ट इट कंसिस्ट ऑफ ड्रिल बुशेज। ये वर्क हो गया हमारा वर्कपीस, ये हमारी टेम्पलेट हो गई। इस टेम्पलेट में हमने ये ड्रिल कर दिए जैसा कि डिज़ायर्ड पोजीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग हमने प्लेट में होल किए और इन होल के अंदर हमने बुश लगा दिए। अब बुश लगाने से क्या होगा कि इस जिग की लाइफ बढ़ जाती है और जो ऑपरेशन है उसकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो जाती है रादर देन टेम्पलेट जिग। ठीक है, द थर्ड टाइप इज चैनल जिग। चैनल जिग इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जिग हैविंग चैनल टाइप क्रॉस सेक्शन। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हमारा जिग है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये चैनल टाइप का है। जहाँ पे जिस, और ये हमारा वर्कपीस हो गया, तो वर्कपीस को हम इस चैनल के अंदर रखते हैं और उसको पोजीशन इस नॉब या स्क्रू के द्वारा टाइट करके इसकी सहायता से हम करते हैं। ओके, तो वर्कपीस को रखा, चैनल को उसके ऊपर रख दिया और इस स्क्रू को हमने टाइट कर दिया, जिससे क्या हुआ, वर्कपीस अपनी यथा स्थिति में सेट हो गया। फिर ये चैनल है, इस चैनल के अंदर हमने ये ड्रिल किया, ड्रिल करके उसमें ये बुश लगा दिया और यहाँ से ड्रिल को हम गाइड करते हैं जिससे जो भी हमारी डिज़ायर्ड पोजीशन है उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे ड्रिल कर दिया जाता है। तो ये हो गया अपना वर्कपीस।
क्लियर है। नेक्स्ट आता है अपना डायमीटरल जिग। नेक्स्ट है अपना डायमीटरल जिग। डायमीटरल जिग का यूज सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल वर्कपीस जो होते हैं उनके अंदर रेडियल होल करने में किया जाता है। ये सिलेंड्रिकल जॉब हो गया अपना। अब इसको हमने वी ब्लॉक के ऊपर रखा और ऊपर से ये जिग प्लेट लगा दी, ठीक है। इस जिग प्लेट में, जिग प्लेट को यहाँ पे क्लैंपिंग बोल्ट की सहायता से हमने वी ब्लॉक द्वारा टाइट कर दिया और इस जगह पे हमने टेम्पलेट में ड्रिल किया और यहाँ पे बुश लगा दिया। अब यहाँ से आपका ड्रिल जो है वो गाइड होगी और एज इट इज़ इस ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रिल कर दी जाएगी। दैट मीन्स रेडियल होल ड्रिल करने में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा टाइप आता है अपना लीफ जिग। लीफ जिग, इट हैज अ लीफ और अ प्लेट विच इज हिंज्ड ऑन अ बॉडी। इस केस के अंदर हमारा लोडिंग अनलोडिंग टाइम जो है वो मिनिमम हो जाता है। देखिए इस केस में क्या है कि ये हमारा वर्कपीस है, दिस इज आवर वर्कपीस, ये हमारा वर्कपीस है। इस वर्कपीस को हमने इसके अंदर जिग बॉडी के अंदर रखा इस जगह पे। ये जो आप आर्म देख रहे हैं इसको टेम्पलेट बोलते हैं, ये स्विंग हो रही है, ये यहाँ पे हिंज है, हिंज के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से मूव हो रही है, ठीक है। वर्कपीस की जो पोजीशन है वो इन बटन्स के द्वारा सेट की जा रही है कि वर्कपीस को कौन सी अवस्था में रखना है। तो इसकी पोजीशन इन बटन के द्वारा सेट हो गई। ऊपर से जब हमने इस टेम्पलेट को क्लोज किया, पहले ये इसको ओपन किया जिससे वर्कपीस को लोड किया, देन फिर हमने इसको क्लोज किया, तो ये जो स्क्रू हैं ये स्क्रू क्लैंपिंग फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वर्कपीस के ऊपर, जिससे ना तो वर्कपीस इधर मूव हो सकता ना ऊपर की तरफ मूव हो सकता। और यहाँ टेम्पलेट में हमने ड्रिल करके ड्रिल बूस लगा रखा है, यहाँ से हमारा ड्रिल को गाइड कर दिया जाएगा और इस वर्कपीस में ड्रिल कर ली जाएगी। नेक्स्ट है अपना रिंग जिग। रिंग जिग इज एम्प्लॉयड टू ड्रिल होल ऑन सर्कुलर फ्लैंज्ड पार्ट। द वर्कपीस इज सिक्योरली क्लैम्प्ड ऑन ड्रिल बॉडी एंड द होल्स आर ड्रिल्ड बाय टूल थ्रू ड्रिल बुशेस। देखिए ये हमारी कोई फ्लैंज है, उस फ्लैंज को, फ्लैंज मींस सर्कुलर फ्लैंज है, उसको हमें होल्ड करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक रिंग बना देते हैं। इसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये पूरा एक ऐसे रिंग की तरह सर्कुलर, ये हमारा वर्कपीस हो गया, यहाँ पे होल्ड किया, ऊपर ये अपनी टेम्पलेट हो गई, ये पूरी जिग बॉडी हो गई, ये स्क्रू हो गए और ये ऊपर यहाँ पे ये नट हो गया। वर्कपीस इसमें सिक्योरली होल्ड कर लिया। टेम्पलेट में हमने यहाँ पे बुश लगा रखे और इनके बीच से हम ड्रिल को गाइड करते हैं और ड्रिल अपना ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर देती है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप ऑफ जिग हम काम में लेते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ जिग्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ जिग बुशेज डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस टॉपिक को अपने अनुसार हर संभव सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप सभी इस वीडियो को बहुत लाइक और पसंद करेंगे। आप सभी का धन्यवाद और गुड बाय।